ओके सो हे गाइस, दिस इज़ एक्सप्लेन एक्स। और गाइस, आई नो कि मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, इसी वजह से वीडियो लेट है। एंड इस वीडियो का थंबनेल देख आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं टेकन 8 की पॉसिबिलिटी स्टोरी के बारे में बात करूँगा। एंड गाइस, एक बात मैं यहाँ पहले ही बता दूँ कि टेकन 8 की स्टोरी को मैं स्टोरी लाइन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टेकन 8 की कन्फर्म स्टोरी लाइन के बारे में मुझे तो क्या किसी को नहीं पता है। इसीलिए मैं टेकन 8 की स्टोरी को क्वेश्चंस, डाउट्स एंड कुछ वेबसाइट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा। और आपको टेकन 8 की रिलीज डेट एंड मोर इन्फो के बारे में जानना है तो मेरी ये वीडियो देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ लेट्स बिगिन। ओके सो सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग करते हैं जहां टेकन 7 की एंडिंग हुई थी, जिसमें हमें काजुया और अकुमा एक दूसरे से फाइट करते दिखाई देते हैं। पर फाइट में विनर कौन होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन है, काजुया और अकुमा के फाइट में विनर कौन होगा? तो जहां तक मुझे लगता है, अकुमा और काजुया की फाइट पूरी नहीं होगी, ये फाइट इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि टेकन डेवलपर्स ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि स्टार्टिंग में ही किसी की डेथ हो जाए। और टेकन 8 की एंडिंग जीन वर्सेस काजुया होगी, इसी रीजन से काजुया वर्सेस अकुमा की फाइट पूरी नहीं होगी। फाइट के दौरान काजुया भाग जाएगा या किसी और रीजन की वजह से भी काजुया वर्सेस अकुमा की फाइट पूरी नहीं होगी। अब यही टेकन 7 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जहां हमने देखा था कि टेकन 6 में जिन अजजल को डिफीट करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इंजर हो जाता है, और टेकन 7 में जिन इंजर होने की वजह से ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। एंड टेकन 7 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जिन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और अपने फादर काजुया मिशिमा को मार डेविल ब्लड लाइन ख़त्म करेगा, जिन ये कसम खाता है। और इस मिशन में जिनका साथ देंगे अलिसा, लार्स एंड ली। दूसरी ओर काजुया अकुमा से बचकर अपनी कंपनी जी कॉरपोरेशन पहुंचता है, और अब काजुया अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए मिशिमा ज़ैबासू को भी अपने अंडर ले मिशिमा ज़ैबासू का भी ओनर बन जाता है। और काजुया का ऐसा करने का रीज़न है, जब टेकन 7 में काजुया वर्सेस अकुमा में जी कॉरपोरेशन टावर पर फाइट हुई थी, तो फाइट के दौरान काजुया हाफ डेविल जीन में चेंज ऑफ फाइट करता है, और काजुया का डेविल में चेंज होते फुटेज हिहाची रिकॉर्ड कर फुटेज को पूरी दुनिया में पब्लिक कर काजुया की डेविल आईडी पूरी दुनिया को बता देता है। और ये न्यूज़ आग के जैसे फैल जाती है, और अब पूरी दुनिया के लोग काजुया के अगेंस्ट हो काजुया को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड इसी वजह से काजुया अपने आप को पावरफुल बनाने में लगा है, क्योंकि पूरी दुनिया काजुया के अगेंस्ट हो चुकी है। अब इसी बीच काजुया द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 8 की अनाउंसमेंट करता है। दूसरी ओर इस टूर्नामेंट की न्यूज़ जिन और जिन की टीम को पता चलता है, जहाँ जिन और जिन की टीम को काजुया तक पहुँचने का रास्ता मिलता है, जिसके बाद जिन, लार्स, अलीसा और ली द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 8 में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं। और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का रीजन टूर्नामेंट जीतना नहीं बल्कि काजुया को खत्म करना होगा। लेकिन इससे पहले कि जिन, लार्स, अलीसा और ली टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते, जिनको क्लाउडियो सेराफिनो द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाता है। एंड इसी वजह से मैंने आपको इस वीडियो से पहले क्लाउडियो सेराफिनो की स्टोरी एक्सप्लेन की थी, क्योंकि टेकन 8 में क्लाउडियो का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जहां मैंने आपको टेकन 7 में क्लाउडियो की स्टोरी के बारे में बताया था कि क्लाउडियो डेविल जिन के खिलाफ है, और हिहाची द्वारा क्लाउडियो अब ये जानता है कि जिन और काजुया डेविल्स हैं, एंड शायु जो जिन को मिशिमा ज़ैबासू में ढूंढने आई थी, पर क्लाउडियो शायु को डिफीट कर बंदी बना लेता है, जिसके बाद टेकन 8 में क्लाउडियो जिन से कॉन्टैक्ट कर अपने पास बुलाता है, और जिन भी शायु के लिए अकेले ही क्लाउडियो की बताई जगह पर पहुँचता है, जहाँ क्लाउडियो और जिन में फाइट होती है। और हो सकता है कि क्लाउडियो जिन से फाइट के दौरान अपनी कुछ एक्सॉर्सिस्ट पावर का भी यूज़ करे, पर बैटल में जिन क्लाउडियो को डिफीट कर बताएगा कि वो काजुया जैसा नहीं है, और जिन भी पूरी दुनिया के जैसे काजुया के अगेंस्ट है और काजुया को ख़त्म करना चाहता है। अब ये बात सुन क्लाउडियो भी जिन की टीम में शामिल हो जाता है, ताकि क्लाउडियो काजुया जैसे डेविल्स को ख़त्म कर सके, जिसके बाद फाइनली जिन और शायु की मुलाकात होती है, जिसके बाद जिन शायु और क्लाउडियो को ले अलीसा, लार्स एंड ली के पास पहुँचता है। अब यहीं अकुमा के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। काजुया तक पहुँचने के लिए हो सकता है कि अकुमा भी द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 8
में पार्टिसिपेट करे या किसी और रीज़न से भी अकुमा वर्सेस काजिया हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि अकुमा को लगे कि काजिया की डेथ हो गई है और ऐसा अकुमा के साथ कई बार हुआ है और इसी रीज़न से हो सकता है कि अकुमा को लगे कि काजिया की डेथ हो गई है पर काजिया अकुमा वर्सेस काजिया के बैटल में सर्वाइव कर अभी भी जिंदा है और हिहाची तो पहले ही काजिया के हाथों मारा गया है। तो अकुमा का काजुमी से किया वादा पूरा होगा और अकुमा वहाँ से चला जाएगा और हो सकता है कि हमें अकुमा टेकन 9 में ना दिखे क्योंकि अकुमा को टेकन 7 में एज अ गेस्ट करेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है और गेस्ट करेक्टर मतलब कुछ दिनों के मेहमान, इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अकुमा हमें टेकन 9 में ना देखने को मिले। दूसरी ओर जीन लार्स ली, अलीजा, शायु एंड क्लाउडियो द किंग ऑफ पैनफिस टूर्नामेंट 8 में पार्टिसिपेट करते हैं। टूर्नामेंट के थ्रू जिन और काजिया को अपनी डेविल हिस्ट्री और हाचिजो क्लैन के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार डेविल्स की शुरुआत कहां से हुई और हमें भी इस बात का पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन सा रीज़न था जिस वजह से काजुमी ने हिहाची से शादी कर हिहाची को मारने की कोशिश की। क्योंकि जब काजुमी ने हिहाची के सामने अपनी डेविल आईडी रिवील की थी तब काजुमी ने हिहाची से कहा था कि तुम एक दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे और मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और गाइस मैं ही आपको बता दूं कि हाचिजो मेंबर्स ने ही काजुमी को हिहाची को मारने भेजा था क्योंकि हाचिजो फैमिली के मेंबर्स को एक प्रिडिक्शन मीन्स एक भविष्यवाणी के थ्रू पता चला था कि हिहाची एक दिन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। बट वो प्रिडिक्शन क्या और कैसा था इस बात का हमें टेकन 7 में नहीं पता चला, इसलिए हो सकता है कि हमें इसका आंसर टेकन 8 में पता चले। एंड मुझे रिसर्च के दौरान एक र्यूमर से पता चला है कि द किंग ऑफ पैनफिस टूर्नामेंट 8 के दौरान या जिन वर्सेस काजिया के बैटल में लार्ज की डेथ हो जाएगी। ये बात मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बस ये एक र्यूमर है कि टेकन 8 में लार्ज की डेथ हो जाएगी। अब टेकन 8 की एंडिंग्स की बात करते हैं। वैसे तो टेकन 8 की एंडिंग्स कई डिफरेंट तरीके से हो सकती है एंड मैं टेकन 8 की सभी पॉसिबिलिटी एंडिंग्स के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट एंडिंग की बात करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। टूर्नामेंट के फाइनल में जिन वर्सेस काजिया होगा जिसमें पहले तो जिन और काजिया अपने ह्यूमन फॉर्म में फाइट करेंगे, फिर दोनों अपने हाफ डबल जिन फॉर्म में फाइट करेंगे, देन दोनों की फाइट में हाचिजो फैमिली का मेंबर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल जिन और काजिया को ख़त्म करने आए और जिन और काजिया टीम अप कर हाचिजो फैमिली के मेंबर से फाइट करें और फाइट के दौरान काजिया की डेथ हो जाए। ये देख जिन गुस्से में ट्रू डेविल जिन फॉर्म में चेंज हो अटैक करे या फिर हाचिजो फैमिली का मेंबर्स काजिया को मारने के बाद वहाँ से चला जाए। अब काजिया की डेथ होने पर पूरी दुनिया सेव है जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का एक व्यू दिखाया जाए जिसमें हम देखेंगे कि जिन शादी कर अपनी वाइफ और डॉटर के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसके बाद टेकन 8 की स्टोरी एंड होती है। बट हमें टेकन 8 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाए कि हाचिजो फैमिली का मेंबर अपने ट्रू डबल जिन फॉर्म में बोलता दिखाई दे कि दिस इज नॉट एंड, पूरी दुनिया में बस एक डेविल बचा है जिसे मारने के बाद मेरा काम खत्म, जिसके बाद टेकन 8 यही एंड होता है। अब यही सेकंड एंडिंग की बात करते हैं। इस एंडिंग में अगर हिहाची रिटर्न आता है तो टेकन 8 की एंडिंग क्या होगी इस बारे में बात करेंगे। तो जब जिन और काजिया में फाइट हो रही होगी तो दोनों की फाइट में हिहाची इंटरफेयर करेगा और अब ये फाइट ट्रिपल ट्रैट बन गई है। बट ट्रिपल ट्रैट फाइट होने के चांसेस ना के बराबर हैं क्योंकि ऐसी फाइट हम टेकन ब्लड विंजेस मूवी में देख चुके हैं। पर अब यहाँ क्या होगा जब जिन और काजिया को पता चलेगा कि हिहाची के पास अब डबल जीन है और हिहाची भी अब डबल्स पावर कैरी करता है, जिसके बाद तीनों ट्रू डबल जीन फॉर्म के फाइट में काजिया की डेथ हो जाए, जिसके बाद हिहाची काजिया की पावर एब्जॉर्ब कर वहाँ से चला जाए अपनी कंपनी मिशिमा ज़ायबासु को फिर से हासिल करने और टेकन 9 में हमें जीन वर्सेस हिहाची देखने को मिले। अब टेकन 8 की लास्ट एंडिंग की बात करते हैं और इस एंडिंग में हो सकता है कि जिन काजामा की मदर और काजिया की वाइफ जून काजामा रिटर्न आए क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जून बस मिसिंग है, जून की डेथ नहीं हुई है। सो जब टेकन 8 में जिन वर्सेस काजिया होगा तो जिन और काजिया के डेथ बैटल में जून काजामा का इंटरफेयर हो सकता है। जिन अपनी मदर जून को देख काजिया से अपना फोकस चेंज कर जून के पास जाने लगता है कि तभी काजिया जिन को पीछे से किल ब्लो मारने ही वाला होता है पर जून जिन को बचा काजिया को फाइट करने से रोकती है और हो सकता है कि काजिया
काजिया जून की बात मान ले, क्योंकि काजिया कैसा भी हो पर काजिया अपनी वाइफ जून से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, या किसी और रीज़न की वजह से भी जिन वर्सेस काजिया में फाइट रुक सकती है। इसके बाद जून जिन और काजिया का डबल शांत या हील कर जिन और काजिया को नॉर्मल कर दे, क्योंकि हमने टेकन टैग टूर्नामेंट 1 में देखा है कि जून के पास डबल जिन हील करने की पावर्स हैं। इसी बीच कोई हाचिचो फैमिली का मेंबर काजुमी का पूरा काम करने काजिया और जिन को मारने अब आ पहुंचा है, जिसके बाद जिन और काजिया दोनों टीम अप कर हाचिचो फैमिली के मेंबर से फाइट करें, और फाइट में हो सकता है कि जिन को बचाने के चक्कर में काजिया की डेथ हो जाए। ये देख जिन गुस्से में किल ब्लो हाचिचो फैमिली के मेंबर्स पर अटैक कर हाचिचो फैमिली के मेंबर्स का चैप्टर क्लोज करें, जिसके बाद हमें काजिया की कब्र दिखाई जाए, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जिन अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे, देन टेकन 8 की स्टोरी एंड होगी, जिसके बाद हो सकता है कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाए कि टेकन 7 के दौरान हिहाची लावा सरवाइव कर अभी भी जिंदा है, और अब किसी तरह हिहाची अपना सपना पूरा कर डेविल जीन हासिल कर चुका है, देन पोस्ट क्रेडिट यही एंड होता है। सो गाइस, टेकन 8 की जो भी पॉसिबिलिटी स्टोरी थी वो मैं बता चुका हूँ, और गाइस हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट सही निकले या कुछ गलत, जिसके लिए हमें टेकन 8 का वेट करना होगा। एंड गाइस, वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के बाद मैं एक चैनल अपडेट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिसे आप देख बहुत खुश होंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।